हेलो डे स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नंबर टू दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इन दिस वीडियो एल बी कवरिंग टॉप फाइव क्वेश्चंस पहले पांच क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग सारे क्वेश्चन अप करते जाएंगे ठीक है so, सो चलिए बिना कुछ वक्त गवाए शुरू करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू चार्जेस फाइव इंटू टेन पावर माइनस एट कूलम एंड माइनस थ्री इंटू टेन पावर माइनस एट कूलम आर लोकेटेड सिक्सटीन सेंटीमीटर अपार्ट लेटर्स से दीज आर टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू सेम वैल्यूज गिवेन इन द क्वेश्चन और वो 16 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है कन्वर्टिंग दैट इज जीरो पॉइंट वन सिक्स मीटर एंड ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ हो रहा है वो फाइंड करने का कहा है तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो दो पॉइंट्स पे होगा एक लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के बीच में एंड दूसरा छोटे चार्ज जो छोटा चार्ज होगा मैग्नीट्यूड में छोटा होगा माइंड वेल मैग्नीट्यूड में छोटा होगा उसके पास तो आपने देखा ये दूसरा पॉइंट जो है वो आउटसाइड क्यू टू होगा क्योंकि वो मैग्नीट्यूड में छोटा है तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए तो ए पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में क्यूबन का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स कंसिडर करेंगे हम तो बाकी बचा कितना होगा सिक्सटीन माइनस एक्स राइट नाउ फॉर नेट पोटेंशियल टू भी जीरो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन एंड पोटेंशियल ड्यू टू क्यू टू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए तो हम कंसिडर एंड हम कंपेयर uh, करेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड दैट इज के क्यू वन बाय एक्स मस्ट भी इक्वल टू के क्यू टू बाई पॉइंट वन सिक्स माइनस एक्स के के विल बी कैंसल्ड आउट एंड यूल बी गेटिंग क्यू वन पॉइंट वन सिक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू टू एक्स एंड पुटिंग द वैल्यूज ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू फर्दर सॉल्विंग यूल बी गेटिंग एक्स इज इक्वल टू

तो हमें एक चीज़ पता चल रही है यहाँ पे कि हर चार्ज से जो डिस्टेंस होगा सेंटर पॉइंट का वो सेम होगा दैट इज इक्वस टू टेन सेंटीमीटर क्योंकि रेगुलर हैक्जागॉन को अगर हम सारे वर्टाइस ज्वाइन करते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है ठीक है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक साइड की जितनी साइड होगी उतना ही सेंट्रल वाली व्हाइट लाइन्स की भी साइड टेन सेंटीमीटर ही होगी नाउ सेंटर पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होगा और चार्ज की वजह से लगने वाला टोटल पोटेंशियल इज इक्वस टू सिक्स टाइम्स के क्यू बाई आर एंड दैट इज इक्व टू

दोनों चार्जेस की वजह से बनने वाला पोटेंशियल जो है वो सेम मेंटेन रहे मतलब वो हर पॉइंट हर जगह पर वो सरफेस पर सब जगह पर सेम पोटेंशियल मेंटेन रहे तो लॉजिकली देखा जाए तो ये एक डायपोल की जोड़ी है और डायपोल बनाने वाली जोड़ी जो है वो उसका जो इक्वी लेटरल प्लेन है डायपोल के दो प्लेन होता है एक एक्साइल प्लेन होता है और इक्विटोरियल प्लेन होता है ये इक्विटोरियल प्लेन जो है ना बच्चों वो इक्विटोरियल प्लेन एक ऐसा प्लेन है कि दो दोनों चार्ज से दोनों चार्ज से इक्वी पॉइंट्स होते हैं यहाँ से भी ये भी इक्वी डिस्टेंट ये भी इक्वी डिस्टेंस ये भी इक्वी डिस्टेंस ये भी इक्वी डिस्टेंस अब एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव तो दोनों की वजह से जब आप पोटेंशियल ऐड करोगे तो एक चार्ज का पोटेंशियल दूसरा पोटेंशियल कैंसिल आउट कर देगा तो ये इक्विटोरियल प्लेन ऐसा है जो इक्वी पोटेंशियल होता है और वहाँ पर पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है राइट तो ये इक्विटोरियल प्लेन हमारा आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेक्शन बी में पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस तो हम ये सरफेस की बात कर रहे हैं जो हमने कंसीडर किया वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये पूछा है हमें ठीक है तो चलिए हम पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है कोई भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देनी हो तो हम हमेशा वहाँ पे टेंजेंट फाइंड करते हैं और वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है तो हमारे ये सारे पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा क्यू की साइड राइट right? और हम सब जानते हैं कि जो डाइपल वैक्टर का डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है तो डायपोल वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑपोजिट टू द डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐसा आपको लिखना है एंड फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर द प्लेन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी तो ए बी की डायरेक्शन में होगी और प्लेन के परपेंडिकुलर होगी प्लेन के अंदर घुस रही है राइट सो दैट इज द राइट आंसर अच्छा ये आप एक चीज नोट कर सकते हो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर और डायपोल मोमेंट हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं

ऑन इट सरफेस चलिए ये कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है वॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड दर तो इस इन साइड स्फियर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड जीरो हम सब जानते हैं ठीक है स्फेरिकल कंडक्टर है ठीक है उसके अंदर हमेशा जीरो होती है आउटसाइड की अगर हम बात करें तो आउटसाइड सरफेस पहले तो सरफेस की बात करते हैं जस्ट आउटसाइड मतलब हम सरफेस की बात करेंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर वेर आर इज द रेडियस एंड उसकी सिर्फ

जिससे हम एयर वाला कैपेसिटेंस कहेंगे इसलिए जीरो लगा रहा हूँ मैं दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलन नॉट ए बाई डी और उसकी वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने एट पीकोफेरेट दे दिया हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया बस हम सिर्फ इक्वेशन से कंपेयर करेंगे कि एप्सिलन नॉट ए बाई डी को हम जहाँ भी रखेंगे उसको एट पीकोफेरेट उसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ठीक है नाउ गाइस अगर हम क्या करेंगे कि आफ्टर डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बाय फैक्टर ऑफ टू एंड एडिंग डायलैक्ट्रिक मतलब इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमने एयर हटाकर डिक्रीज कर दिया d बाई टू और उसमें एक डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सिक्स का मीडियम भी डाल दिया इस केस के अंदर बच्चों जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है c दैट बिकम्स सी नॉट इंटू के और यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज एप्सिलर नॉट ए के अपॉन डी बाई टू क्योंकि डिस्टेंस भी आधा हुआ है और एप्सिलर नॉट ए बाई डी को हम सी जीरो कहेंगे सो फाइनल आपको आंसर मिलेगा टू इंटू के इंटू सी ज़ीरो सो टू इंटू सिक्स इंटू सी जीरो दैट इज एट बी 96 pico farad i hope uh, you have got all these questions very well thank you and uh, wait for the next parts to come